नमस्कार, बहुत स्वागत आपका जन्माष्टमी के इस खास मौके पर। तेज की पूरी टीम की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ आपके मैं हूँ कुमकुम बिनवाल, और आज आपको उस कृष्ण के रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनकी भक्ति आप करते हैं, जिनसे मनोकामनाएं आप मांगते हैं, जिनके बाल अवस्था की बातें याद करके कभी कभी अटकेलियां आप करते हैं, तो कभी उनके गीतासार को पढ़ के जीवन का रहस्य समझने की कोशिश करते हैं, और आज उसी रहस्य की हम करेंगे बात। मैं हूं आपके साथ कुमकुम बिनवाल, सुनीता मौजूद है मेरे साथ, शिफाली भी मौजूद है, लेकिन सबसे खास मेहमान स्वागत कीजिए पंडित शैलेंद्र पांडे का। पंडित शैलेंद्र पांडे जी हमारे साथ मौजूद है और कृष्ण जुड़े हुए हर सवाल का जवाब देंगे हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे। बिल्कुल, तो श्री कृष्ण प्रभु के रूप में आए एक ऐसी शख्सियत जिनकी जीवन की तमाम अवस्थाएं हमें जिंदगी जीने की कला सिखाती हैं, चाहे उनकी बाल लीलाएं हों, चाहे उनकी रास लीलाएं हों, या फिर गीता में उनका दिया हुआ ज्ञान हो जो महाभारत के युद्ध का सार बनता है। जीवन के हर अवस्था में पूरी जिंदगी आपको कैसी बितानी चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं, अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, मन में कोई दुविधा हो, तो समझ लीजिए उसका एक ही जवाब है और वो है श्रीमद् भागवत गीता। तो कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन मौके पर तेज आज आपको बताएगा कि दरअसल श्री कृष्ण का अर्थ क्या है, उनके कौन से ऐसे रहस्य हैं, कौन से ऐसे भेद हैं, जिसे अगर आपने समझ लिया तो समझिए पूरी जिंदगी को समझ लिया। इसी पर आज हम बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ शिफाली, और आज हम तीनों यहाँ पर बैठे हैं, पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम सभी कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि कृष्ण का क्या रहस्य है, कि कृष्ण नाम से ही रहस्य जुड़ा हुआ है। वैसे कृष्ण का मतलब होता है अट्रैक्शन, लेकिन इसका क्या मतलब होता है, हम क्यों इसे इस तरीके से देखें, पूरा का पूरा अर्थ हमारे समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे। आइए जानते हैं कृष्ण नाम का अर्थ आखिर है क्या। सबसे पहले तो बता दूं कि भगवान कृष्ण एक रहस्य है ही। उनके जीवन की अलग अलग विधाओं को अगर हम देखें, अलग अलग हिस्सों को देखें, तो आप किसी भी हिस्से को कंप्लीट मान सकते हैं। आप भगवान कृष्ण के जीवन में उनके हजार रूप देख सकते हैं, उनके सहस्त्र रूप देख सकते हैं। इसलिए जैसा कहा जा रहा है कि हम आज बात कर रहे हैं श्री कृष्ण के रहस्यों पर, तो एक जन्म क्या कई जीवन कम हैं भगवान कृष्ण के रहस्य को जानने के लिए, समझने के लिए। लेकिन हम ये धृष्टता कर रहे हैं कि छोटी भाषा में, सरल भाषा में कृष्ण के जीवन सार को समझने की कोशिश करें। जहाँ तक कृष्ण के नाम की बात है, जैसा कि शिफाली ने कहा कि कृष्ण का अर्थ होता है अट्रैक्शन, कर्षयते इति कृष्णः, जो आकर्षित करे वो कृष्ण है। और कृष्ण जन्म से लेकर अपने महाप्रयाण तक हर चरण में, हर उम्र में, हर अवस्था में लोगों को आकर्षित करते हैं। कभी वो आकर्षित करते हैं यमुना के जल स्तर को, कि यमुना का जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि वो कृष्ण के पैरों को छूने के लिए लालायित हो जाता है। कभी वो आकर्षित करते हैं राक्षसों को ताकि उनका वध कर सकें। कभी आकर्षित करते हैं ग्वाल बाले और गोपिकाओं को, कभी आकर्षित करते हैं दुष्टों को, कभी आकर्षित करते हैं ज्ञानियों को, और कभी आकर्षित करते हैं बिल्कुल निरीह, बिल्कुल छोटे मानव को भी। तो भगवान कृष्ण का पूरा जन्म आकर्षण से भरा हुआ है, इसीलिए जो उनका नाम है कृष्ण, महर्षि गर्ग ने ध्यान में जान लिया था कि भगवान का अवतार होने वाला है, इसलिए कृष्ण जन्म के बाद महर्षि गर्ग ने ही उनको ये नाम दिया था कृष्ण। तो जैसा कि पहला हमारा सवाल था कि कृष्ण का मतलब क्या है, और शिफाली ने वो सवाल बखूबी पूछा और पंडित शैलेंद्र पांडे ने बखूबी उसका जवाब दिया, और उम्मीद हम करते हैं कि हमारा पहला सवाल कृष्ण नाम का अर्थ क्या है ये आपके समझ में आया होगा, क्योंकि हमने एक सवालों की फहरिस्त तैयार किया, क्योंकि हम तीन एंकर्स हैं और एक पांडे जी हैं, और हर त्यौहार में हम कोशिश करते हैं कि हम पांडे जी से, शैलेंद्र पांडे जी से, जो कि आप सबके प्रिय हैं, आप सभी के सवालों के समाधान रोज़ वो करते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर भी क्यों ना उनसे एक हल्के फुल्के अंदाज में बात की जाए। तो दूसरा सवाल पंडित जी मैं ही पूछूंगी आपसे, कृष्ण के जन्म की स्थितियों को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो बड़ी कठिन होती है। लगातार उनके कई भाई बहनों का वध हुआ, उसके बाद भयानक तूफान जिसमें उनका जन्म हुआ, और फिर जो भी कुछ हुआ, खैर हम सब ने पढ़ा है, जानते हैं हम, तो इतना कठिन क्यों था। देखिए, भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ, अवतरण हुआ, तो भगवान कृष्ण को दो बातें सिद्ध करनी थी। पहली बात कि कितनी भी कठिन स्थिति परिस्थिति में रहकर भी आप अपने जीवन में विजय के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। अगर वो जन्म लेते सीधे महल में, महल से एंट्री करते राज्य में, और राज्य से एंट्री करके महाभारत की कथा सुनाने लगते, तो शायद उतना प्रामाणिक नहीं होता, या शायद उतना जीवनदायी नहीं होता।
भगवान ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान कृष्ण के इच्छा के बिना उनके जीवन की स्थितियां कठिन हो गई। उन्होंने अपने जीवन के लिए, अपने जन्म के लिए कठिन स्थितियों का निर्धारण इसलिए किया ताकि आम आदमी ये समझ सके कि कठिनाई में जन्म लेने के बाद भी कोई व्यक्ति ईश्वरत्व तक पहुंच सकता है। और कृष्ण एक ऐसे देवता है ना जो पूरे अपनी कथा में हर जगह ये बताते हैं कि मुझे पहचानो, मैं अलौकिक आदमी हूँ, मुझे पहचानो, मैं भगवान हूँ। अब आप नहीं पहचान पाते ये बात अलग है, लेकिन जरा सोचिए, जिसके जन्म लेने से जेल के ताले खुल जाते हैं, जिसके जन्म लेने के बाद वसुदेव उनको अपने सूप में रखकर दूसरे जगह पहुंचा देते हैं, इतनी अलौकिक घटनाएं जन्म से ही साबित करती हैं कि भगवान कृष्ण कोई साधारण घटना नहीं है। उस जन्म के समय से ही बार बार ये बताते हैं कि मैं भगवान हूँ, पहचान सको तो पहचान। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने पांडे जी। और दरअसल मेरा अगला सवाल भी इसी से कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म सीधा सीधा कहता है दरअसल भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम अगर असल जीवन की बात करें, आज के एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, तो क्या वाकई हम इस व्यक्तित्व को, क्या श्री कृष्ण को एक चमत्कारी पुरुष मान सकते हैं, और अगर हाँ तो क्यों? देखिए, पहली बात यह है कि भगवान कृष्ण चमत्कारी पुरुष नहीं थे। भगवान कृष्ण भगवान थे। जब कोई मानव ईश्वर के सर्वाधिक निकट होता है, या यूं कह लें कि जब ईश्वर मानव के फिजिकल बॉडी में प्रकट होते हैं, तब उनके अंदर ईश्वरत्व के गुण विद्यमान होते हैं। चमत्कार भगवान कृष्ण के माध्यम से होता था, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण चमत्कारी नहीं थे। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया जिसको दिखाने की जरूरत ना हो, और जो चमत्कार किए उनको समझने के लिए थोड़ी दृष्टि चाहिए। जैसे जब जयद्रथ का वध हुआ महाभारत में, तो क्या हुआ? सूर्यास्त हो गया। कथा कहती है कि भगवान कृष्ण ने सूर्य को ढक लिया। ऐसा था नहीं, दरअसल था ये कि भगवान कृष्ण मास हिप्नोटिज्म के ज्ञाता थे, यानी सामूहिक सम्मोहन शक्ति के स्वामी थे। उन्होंने अपनी सम्मोहन शक्ति का प्रयोग किया और युद्ध स्थल में हर आदमी को ये लगा कि सूर्य अस्त हो गया है। और जब जयद्रथ वहां प्रकट हुआ, जब जयद्रथ वहां आ गया, उसके वध करने का समय आया, तो सम्मोहन शक्ति को वापस ले लिया। सूर्य तो जहां था वहीं था। कृष्ण ने अपनी सम्मोहनी शक्ति का प्रयोग करके जयद्रथ वध में सहायता की थी। तो भगवान कृष्ण चमत्कार तभी करते थे जब वो आवश्यक होते थे, और वो चमत्कार प्रैक्टिकल हैं, उसमें कोई जादू मंत्र या झूम झाम की बात नहीं होती थी। हाँ, उनके जीवन जीने के लिए या धर्म की स्थापना के लिए जब चमत्कारों की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने चमत्कार किए, लेकिन वो चमत्कारी पुरुष से बहुत ऊपर हैं, वो दरअसल भगवान हैं। जी मनु जी, वैसे बहुत सारे रहस्य हैं कृष्ण से जुड़े हुए, और उन्हीं रहस्यों को आज हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूँगी यहाँ पर, कि हम कहते हैं कि कृष्ण की 16 कलाएं हैं और उनके अनेक रूप हैं, बहुत सारे रूप हैं कृष्ण भगवान के। तो कृष्ण अपने जीवन में कई रूप भी दिखाए हैं, और इन रूपों का आखिर अर्थ क्या है ये बताइए। शेफाली, वैसे तो भगवान कृष्ण के हजारों रूप हैं, हर रूप में कृष्ण अनूठे हैं, और हर रूप को आप देखें तो आपको प्रेम हो जाएगा, चाहे माटी खाता हुआ माखन का स्वरूप हो या मक्खन चुराते हुए कृष्ण का रूप हो, कोई भी रूप आप देखेंगे आपको कृष्ण से दुलार ही आएगा, प्रेम ही आएगा, क्योंकि तो रस उनके रूप से, उनके रोम रोम से प्रवाहित होता है। लेकिन कृष्ण की तीन भूमिकाएं हैं मूलतः, अगर हम देखें और भगवान कृष्ण के जीवन को समझें। एक ब्रज के कृष्ण हैं जो मधुर कृष्ण हैं, और इस कृष्ण के पास केवल मधुरता है। वो बांसुरी बजाते हैं, वो प्रेम करते हैं, वो महारास करते हैं, वो लीलाएं दिखाते हैं, और सबके साथ घुल मिल जाते हैं। करते वहाँ भी लीला हैं, लेकिन वहाँ पर मधुरता वाला हिस्सा ज़्यादा है, चाहे वो नृत्य का अंश हो, चाहे वो बंसी बजाने का अंश हो, चाहे ग्वाल बालों के साथ, गोपिकाओं के साथ प्रेम का अंश हो। कृष्ण का जो दूसरा रूप है वो शुरू होता है उनके युवावस्था से, जिसमें वो कंस का वध करते हैं। वहाँ पर कृष्ण राजनीतिक कृष्ण बनते हैं, पॉलिटिकल कृष्ण हैं। कंस का वध किया, मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, जब जरासंध का प्रकोप ज़्यादा हो गया तो मथुरा की नगरी को शिफ्ट कर दिया द्वारका में, और द्वारका को अपनी राजधानी बना ली। यानी वो राजनीतिक कृष्ण हैं, पॉलिटिकली कैसे अपने राज्य की रक्षा करनी है, किन नीतियों का पालन करना है, कैसे प्रजा का भरण पोषण करना है, वो कृष्ण का दूसरा स्वरूप है। लेकिन कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप है, जिसके लिए कृष्ण का अवतरण हुआ था, वो कृष्ण है गुरु कृष्ण।
जब वो भगवत गीता का ज्ञान देते हैं तो सामान्य कृष्ण नहीं होते, वो होते हैं गुरु कृष्ण। और वो ये कहते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी होगा या जो हो चुका है, वो सब मेरे अंदर है, मेरे अधीन है। यानी जब वो गुरु बन करके गीता का ज्ञान देते हैं, हर व्यक्ति को जीवन जीने का रास्ता सिखाते हैं, वो संबोधित तो अर्जुन को करते हैं, लेकिन गुरु रूप में आज भी वो लोगों को जीवन जीने का रास्ता दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कृष्ण के तीन ऐसे स्वरूप हैं जिन स्वरूपों की वजह से कृष्ण बहुत अनूठे हैं, बहुत अद्भुत हैं। बिल्कुल, इसीलिए आज हम कृष्ण के रहस्यों के बारे में बात कर रहे हैं और हम तीन एंकर एक पांडे जी लगातार आपको बता रहे हैं कृष्ण के रहस्यों के बारे में। और आपने मुख्य रूप से तीन जो किरदार थे कृष्ण द्वारा निभाए गए, क्योंकि आज भी एक संदेश देते हैं हम सभी को और युगों युगों तक देते रहेंगे वो बताएं। लेकिन कृष्ण का जब नाम आता है तो जुबा पर आता है राधे राधे। और मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानती हूँ पांडे जी कि कृष्ण एक इकलौते ऐसे इष्ट हैं जिनमें बड़ा रोमांस है, बड़ा रोमांस है, और उसका बहुत बड़ा जो श्रेय है वो राधा को जाता है। तो क्या ये जो राधा और कृष्ण का प्रेम है, क्या वाकई उतना प्रगाढ़, उतना वास्तविक है जितना कहा जाता है? क्या राधा का वाकई अस्तित्व था भी या नहीं था, या फिर ये साहित्य में पहले आया और फिर उसका हिस्सा बन गया, धर्म का हिस्सा बन गया? देखिए, दो मत इसके बारे में रखे जाते हैं। पहला मत ये कहता है कि राधा जैसा कोई अस्तित्व कृष्ण के जीवन में नहीं था। कृष्ण प्रेम के देवता हैं, कृष्ण आनंद के देवता हैं, तो उनके जीवन में प्रेम था, इसलिए प्रेम में लोग लीन हुए, लोग डूबे, लेकिन राधा का अस्तित्व नहीं था। श्रीमद् भागवत महापुराण में, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं लिखी हुई हैं, उसमें राधा का कोई अस्तित्व नहीं बताया गया। तंत्र के जानकार कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, कोई पुरुष या कोई स्त्री भगवान कृष्ण के प्रेम में लीन होता है ना, तो वो राधा बन जाता है। जो कोई कृष्ण के प्रेम में लीन होगा वो राधा बनेगा, और जो कृष्ण के मार्ग पर चलेगा वो दरअसल गोप या गोपिका होगा। ये एक प्रतीकात्मक बात है, एक मान्यता ये कहती है। दूसरी मान्यता ये कहती है कि नहीं, भगवान कृष्ण के जीवन में राधा का अस्तित्व था, भगवान कृष्ण ने उनसे प्रेम किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस बात का उल्लेख भी आता है कि भगवान कृष्ण का राधा के साथ विवाह भी हुआ था, और भगवान कृष्ण राधा को प्रेम भी करते थे। इसके बहुत सारी व्याख्याएं अन्य ग्रंथों में मिलती हैं। बात जो भी हो, राधा रही हो या ना रही हो, लेकिन एक बात निश्चित है कि कृष्ण के अंदर से प्रेम का प्रवाह तो छूटता ही है। जैसा कुमकुम ने कहा कि वो रोमांस के देवता हैं, यकीनन वो प्रेम के देवता हैं, क्योंकि सबसे पहले इस सृष्टि को आकर्षित करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो प्रेम है। आप शिव और कृष्ण के जीवन को देखें तो शिव का जीवन रूखा सूखा सा है, डिसिप्लिन वहां भी है, वहां भी ईश्वर की उपलब्धि है, लेकिन वो रस वाला जो पार्ट कृष्ण के जीवन में है, या कृष्ण के साथ जो लोग जुड़ाव महसूस करते हैं, या बांके बिहारी के साथ जो जुड़ाव महसूस करते हैं, वो स्वरूप, वो रस, वो आनंद, वो प्रेम ईश्वर के किसी अन्य स्वरूप के साथ होना संभव ही नहीं है। बिल्कुल, और बहुत खूब, क्योंकि जब कृष्ण का जिक्र होता है तो समझिए दुनिया में जितनी चीजें हैं वो हर एक पहलू भगवान के पूरे जीवन के अलग अलग किरदारों के रूप में दिखाए। अब हम यहाँ प्रेम और रास लीलाओं की बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि एक और पहलू है कृष्ण के जीवन का, वो ये कि उन्होंने अपने जीवन काल में अपने कई संबंधियों का ही वध कर दिया, रिश्तेदारों का। तो क्या ऐसा करना उचित था? एक प्रेम का देवता जो पूरी दुनिया को प्रेम के बंधन में बांध रहा है, वो खुद अपने रिश्तेदारों का वध करता है, इसको कैसे समझाएंगे पांडे जी? क्योंकि सवाल तो देखिए यह बनता है। देखिए, पहली बात यह है कि भगवान कृष्ण ने कोशिश इस बात की कि लोग प्रेम से समझ जाएं। कंस ने जब भगवान कृष्ण को गर्भ में मारने की कोशिश की, उनके माता पिता के साथ अत्याचार किया, कृष्ण पहले भी ये सब कर सकते थे, बचपन में भी कर सकते थे, और शायद अवतार नहीं लेते तब भी ऐसा हो सकता था कि कंस का नाश किया जा सकता था। लेकिन भगवान को दो बातें सिद्ध करनी थी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक आम इंसान, एक आम आदमी भी ईश्वर की कृपा से जीवन में उपलब्धियां पा सकता है। दूसरा, संगठन में शक्ति होती है, और संगठन के साथ मिलकर आप बड़े से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। जहां तक रिश्तेदारों नातेदारों की बात है, कृष्ण के पूरे जीवन को देखिए, कृष्ण ने नातेदारी रिश्तेदारी निभाने में बहुत विश्वास नहीं किया। यहां तक कि अपने मृत्यु के पहले यदुवंश उनके आंखों के सामने नष्ट हो गया, वो चाहते तो यदुवंश को बचा सकते थे, लेकिन उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, धर्म संस्थापनाथाय
संभवामि युगे युगे, यानी धर्म की स्थापना होनी चाहिए। अब धर्म की स्थापना के मार्ग पर अगर अपने लोग आएंगे तो उनको भी हटना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य था कि धर्म की स्थापना कैसे की जाए। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने समझाने का प्रयास नहीं किया जी, बहुत बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन विनाशकाली विपरीत बुद्धि कोई मानने को तैयार नहीं हुआ, अंततः उसे मार्ग से हटाना ही पड़ा। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि जैसे कि उन्होंने अपने संबंधियों का वध किया था, वहीं महाभारत से जुड़ा एक सवाल सामने आता है। जब भी महाभारत को हम कृष्ण के उस नज़रिए से देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी भगवान कृष्ण की। कृष्ण चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, कृष्ण ने क्यों महाभारत जैसा युद्ध नहीं रोका? देखिए, पहली बात यह है कि उस समय दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि धर्म की स्थापना हो, और दूसरा उद्देश्य ये था कि जो भारत कई कई टुकड़ों में बटा हुआ है, कहीं अंग देश है, कहीं और देश है, कहीं अवध है, कहीं कोई देश है, इन सबको यूनाइट करके एक राष्ट्र की संकल्पना भी थी कृष्ण के मन में। अब अगर कृष्ण चमत्कार करके महाभारत का युद्ध एक क्षण में खत्म कर देते तो अवतार लेने का उद्देश्य नहीं होता, ये संदेश लोगों तक नहीं पहुंचता कि अंत में अधर्म की पराजय होती है। यानी शक्तिशाली कितना भी अधर्म क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप देखें तो दुर्योधन के पास स्वयं कृष्ण की नारायणी सेना थी, दुर्योधन के पास शक्तियां बहुत थी, अधर्म बहुत शक्तिशाली था, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक ही संदेश दिया कि अगर धर्म के मार्ग पर कोई चले, शक्तिशाली ना भी हो, तो भी धर्म ही जीतता है। और ये संदेश देने के लिए उन्हें महाभारत जैसे युद्ध की रचना करनी पड़ी। हालांकि एक बात फिर कहूंगा कि महाभारत का युद्ध ना हो, इतना रक्तपात ना हो, इतना खून खराबा ना हो, इसके लिए भगवान कृष्ण ने शांति दूत बनकर भी दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया। तो सवाल यही है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि दुर्योधन को समझाने के बाद भी वो नहीं माना। कृष्ण चाहते थे कि इतनी बड़ी आपदा ना आए, लेकिन अंततः धर्म को स्थापित करना महत्वपूर्ण था, जिसके लिए उन्होंने महाभारत की रचना की थी। और शायद इसलिए भी प्रभु श्री राम द्वारा कहा गया है भयभीत ना होइ प्रीत। और सबसे महत्वपूर्ण बात पांडे जी यहाँ पर, क्योंकि आप महाभारत की बात कर रहे हैं, आप युद्ध की बात कर रहे हैं, तो उस युद्ध के साथ साथ कृष्ण के एक पूरे जीवन को अगर हम पढ़ें गीता से पहले, गीता सार से पहले या महाभारत से पहले, तो उनके जीवन का एक जो पर्सनल, मैं व्यक्तिगत जो जीवन की बात करूँगी, वो शादियों की थी। बड़े, जैसा कि आपने कहा कि उनके जीवन बड़ा प्रेम था, स्नेह था, रस था, ऐसा किसी और इष्ट में नहीं पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत सारे, उन्होंने विवाह भी किए, कई उनकी रानियाँ पटरानियाँ रहीं, लेकिन उनके तीन प्रमुख विवाह रहे, और तीन प्रमुख विवाह के पीछे एक लंबी कहानी है, कथाएं हैं, हम उन्हें सेलिब्रेट भी करते हैं उन तीन प्रमुख विवाहों को। तो वो जब इतनी विवाह कर ही लिए थे तो वो तीन प्रमुख विवाहों की क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या उद्देश्य था? देखिए, भगवान कृष्ण के जो तीन विवाह हैं वो दरअसल तीन जनजातियों को जोड़ने का एक तरीका है। भगवान शिव ने भी तीन विवाह किए थे टेक्निकली, वो उस समय के जनजातियों को जोड़ करके एक मार्ग पर ले चलने की बात है। कृष्ण के पूरे जीवन में आप देखें तो कहीं पे जाति प्रथा की बात नहीं आती कि कृष्ण एक कुबड़ी दासी को छू करके अपने स्पर्श से ठीक कर देते हैं, कृष्ण एक गरीब आदमी के यहाँ जाकर भोजन कर लेते हैं, कृष्ण विदुर की पत्नी के हाथ से केले के छिलके खाने लगते हैं। कृष्ण का ऑब्जेक्टिव है कि मानव मानव एक हो और मानव का धर्म भी एक हो, इसलिए कृष्ण ने अलग अलग जनजातियों में विवाह करके उसको यूनाइट करने का प्रयास किया। जैसे आर्य कन्या रुक्मिणी से विवाह किया, वन की कन्या थी जामवंती, जामवंत की पुत्री मानी जाती है, जामवंत को आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई वो ट्राइबल एरिया के थे, जामवंत की पुत्री से विवाह किया, और तीसरा विवाह किया सत्यभामा से, सत्यभामा को आप एक अलग कल्चर की लड़की कह सकते हैं। तो तीन प्रमुख विवाह किए, अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग संस्कृतियों को मिला करके एक संस्कृति में ले चलने के लिए। जो महाभारत हुआ वो तो बहुत बात का हिस्सा है, कृष्ण ने अपने जीवन के पहले दिन से ही इस सृष्टि को महाभारत में एक सूत्र में बांधने का प्रयास शुरू कर दिया था। यानी नंद के यहाँ पहुँचने के बाद से ही उनकी तमाम योजनाएं ऐसी थी, उनकी तमाम प्रक्रियाएं ऐसी थी जिससे लोग एक सूत्र में बंधें, एक मार्ग पर चलें, और हर जीवन के हर पग में कृष्ण ने इस बात को साबित किया।
तो काफी लंबी ये कथा है, क्योंकि देखिए श्री कृष्ण दरअसल इस धरा पर आए ही थे कि आपको हमें ये बता कर जाएं जीवन जीने की कला क्या है अपनी 16 अलग अलग कलाओं के जरिए। तो उनकी हर कला के बारे में जानेंगे, उनके जीवन के बारे में, क्यों उन्होंने 16,000 से ज़्यादा कहा जाता है विवाह किए थे, क्या ये बात सही है नहीं सही है, या फिर महाभारत के काल में उनका क्या रोल था, और कैसे वाकई दूसरे तरीके से भी इस पूरी विधा को देखा जा सकता था, तमाम सवालों को हम उठाएंगे जन्माष्टमी का ये पावन मौका, और इस दिन हर एक सवाल उसका जवाब आपके सामने हम पहुँचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।